हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सूचनाओं को स्टोर करती है, ढूंढती है एवं व्यवस्थित करती है एवं मात्राओं की गणना भी कर सकती है और अन्य मशीनों को नियंत्रित भी कर सकती है। अब कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर जैसा कि आज हम जानते हैं, इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी, जिसका आविष्कार अंग्रेजी गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज ने किया था। अन्य विकास इसका 1946 तक जारी रहा और पहला सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यानी कि ENIAC था। अब मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटर के प्रकार। तो पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर, पांचवा सर्वर कंप्यूटर, छठा पर्सनल कंप्यूटर और सातवां माइक्रो कंट्रोलर। और अगर आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसकी भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी वीडियो और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और नए टॉपिक से, किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।